वक्फबोर्ड के जो है डिसेंट्रलाइजेशन की बात की है हमने। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यह है कि आज हमारे पास कर्नाटक स्टेट में सिर्फ एक ऑफिस रहेगी, रोजाना 200 लोग आते हैं। नहीं वो ठीक है सर, आपने एडवाइजरी जारी की थी लेकिन वर्क बोर्ड ने कोई इसमें रिस्पांस नहीं दिया। इसीलिए हमने परसों समन जारी करके सीईओ को भी बुलाया था और उनकी पूरी लीगल टीम को भी बुलाया था। हमने हमारे पावर्स को भी उनको बताया हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को माइनॉरिटी कमीशन के पावर से वाकिफ नहीं है, दे टेक इट वेरी लाइटली। हम क्या कर सकते हैं वो बताएं, तो उनको हमारी बात समझ में आ गई है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो हमारी एडवाइस के ऊपर काम करेंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को पनिश कर दिया जाए, हमारा मकसद ये है कि जो वक्फ बोर्ड जो है ये कौम का इदारा है एंड दे आर द कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। उसमें क्या है बोला तो माइनॉरिटी कमीशन का अच्छा सोच है, वो बोर्ड भी वही सोच में है। उनका क्या बोला डिवीजन ले बनाना, एक एक एसीओ बना करके वो गवर्नमेंट बनाना, क्या हमें एप्लीकेशन भी बोर्ड से गवर्नमेंट को दे चुके हैं, एक एक डिवीजन को एक एक एसीओ दियो करके। हमारा हाथ में नहीं ना ये विभागीय एक ये करना करके, लेकिन तो हमारा हाथ में जो कर सकते वो हो रहे। अभी तो हमारा गुलबर्गा इसमें हाईकोर्ट में और धारवाड़ हाईकोर्ट में केसेस हमारा सीओ उधर ही जाके हियरिंग करने शुरू करे, वो हमें फैसला लिए। लेकिन तो ये सीओ सीओ को ये सब करना बोले तो गवर्नमेंट करना।